सदा बंधे नहीं रहना चाहिए। अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है, इस जन्म में मिले या भविष्य में या फिर अगले जन्म में मिले कोई निश्चित नहीं। हमारे जीवन को हमारे होश में आने के पहले ही हमारे माँ बाप ने संस्कार डाल दिए, हमारे होश में आने के पहले ही हमारे माँ बाप ने संस्कार डाल दिए कि ना आयो माला करो, अभी पूजा करो, इधर जाके दीपक लगाओ, फिर मंदिर में जाके दर्शन करके फिर स्कूल कॉलेज जाओ, आते जाते देवी के मंदिर में प्रणाम करो। बस हमारे कोरे कागज को उन्होंने चितर बितर करके पहले से ही गंदा करके रख दिया, हमारे अपने आप हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। नाम भी उन्होंने दे दिया, जाति भी उन्होंने दे दी, धर्म भी उन्होंने दे दिया, संबंधी भी उन्होंने बता दिए, कर्म भी ये बता दिए, हमारी कुछ स्वतंत्रता ही नहीं रही। तो जो माँ बाप उनके माँ बाप ने हमारे पिता माता के माँ बाप ने वो हमारे को दे दिए, और हमारे पिता माता के माता पिता ने जो ज्ञान उनका था उन्होंने उनको दे दिया। तो परंपरा से ये अंधविश्वास चला आ रहा है, और मूर्ख आदमी कहता है ये तो हमारे बाप दादा करते आए, इसे कैसे छोड़े, ये तो हमारे बाप दादा का धर्म है, हम तो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये पूजा करेंगे, हम तो ये मंदिर जाएंगे, हम तो ये उपवास करेंगे, हम तो साधना करेंगे, हम तो ये इस प्रकार वो उसमें बन गए हैं कि अब उनको सत्य को पकड़ना बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि बहुत जमाने से परंपरा से यह अंधविश्वास चला आ रहा है। पर जिसके कोई प्रबल पुण्य होंगे वह इन अंधविश्वासों से हटकर किसी सच्चे गुरु की शरण में जाकर उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे परीक्षा फल में विद्यार्थियों की मनोदशा चिंतित बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, कितने नंबर, कौन सी डिवीजन बनेगी, यदि कर्मियों को फल इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म ग्रहण करने का कष्ट भोगना पड़ेगा। इस जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए ज्ञानी कर्म उपासना के जाल में नहीं पड़ता है, अर्थात लोक में संतान होने या मर जाने वाले घर में सूतक माना जाता है, उस घर में उस समय पूजा पाठ होम साधना यज्ञ आदि नित्य कर्म नहीं किए जाते हैं। आत्मज्ञानी को भी नगर के लोग पूछते हैं कि भाई आजकल तुम पूजा पाठ मंदिर तीर्थ श्राद्ध यज्ञ क्यों नहीं करते, तब वह ज्ञानी उन मंद बुद्धि वाले लोगों को इस युक्ति से चुप कराता है कि देखो भाई, लोक में तो कोई एक सूतक जन्म या मृत्यु का लग जाने से उस घर के लोग नित्य कर्म नहीं करते हैं। मेरे घर में मेरी ममता मर चुकी है एवं ज्ञान पुत्र पैदा हो गया है। जब पुरुष को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अज्ञान अवस्था में जो वो साधन कर रहा था उससे मन उसका हट जाता है, फिर उसे और करने की इच्छा नहीं होती है। तो उसको देखकर अज्ञानी लोग सोचते हैं ये पथ भ्रष्ट हो गया है, इसको किसी गुरु ने भ्रष्ट कर दिया है, गुमराह कर दिया है। पहले तो नियम से आरती में उपस्थित हो जाता था, पहले तो नियम से उत्सवों में भाग लेता था, नियम करके हाँ। और अब देखते हैं कि ये चाहे जन्माष्टमी हो कि रामनवमी हो कि शिवरात्रि हो कि दुर्गाष्टमी हो, अब ये उतना आता नहीं, आरती में भी पूजा में भी नहीं आता है, क्या मामला है। चल इसको पूछें कि भाई अब तुम क्या बात है, क्या हो गया, पहले तो तुम सबसे आगे रहते थे, मुखिया बनकर सब काम में भाग लेते थे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे, अब तुमने आना बंद क्यों कर दिया है, क्या तुम नास्तिक हो गए हो, क्या तुम्हें पथ भ्रष्ट कर दिया है किसी ने, कुछ खिला पिला दिया। तब वो तत्वदर्शी महापुरुष कहते कि देखो भाई, न तो मुझे मार्ग भ्रष्ट किसी ने किया है
न किसी ने कुछ खिला पिला के गुमराह किया है। संसारिक बात मैं बताता हूँ, कारण मेरा क्या है कि जब एक घर में कोई मर जाता है तो या एक कोई पैदा हो जाता है तो इसके कारण से वो व्यक्ति सत्कर्म में पूजा पाठ में भाग नहीं लेते, उसको अपवित्र मानते हैं। जिसके घर में कोई मर गया अब उसके घर में कोई जाता नहीं, हाँ उसका और बच्चा हो गया तो वो भी अपवित्र माना जाता है, तो वो भी मंदिर में और सत्कर्म करने में भाग नहीं ले सकता, वो अपवित्र दशा मानी जाती है। अब मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ मंदिरों में तुम्हारे आरती पूजा और समय, उसका कारण ये कि मेरे घर में दो दो सूतक एक साथ लग गए, दो सूतक, एक सूतक में ही तो पूजा पाठ सत्कर्म बंद कर दिए जाते हैं और करते हैं तो पंडित लोग भी उसको अपमानित करते हैं, उसका पानी नहीं पीते हैं, उसके घर का भोजन नहीं खाएंगे क्योंकि उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया या कोई मर गया। तो अब मेरे घर में दो दो सूतक एक साथ लग गए हैं, एक एक सूतक लगने से समाज के पंडित पुरोहित मेरे को अलग कर देते धर्म कर्म से। मेरे घर में तो दो दो सूतक लग गए क्या, एक तो मेरी वो अज्ञान माँ मर गई है और एक मेरे घर में ज्ञान बेटा पैदा हो गया, तो अब ये तो दो दो सूतक लग गए हैं, अज्ञान माँ मर गई और ये ज्ञान बेटा पैदा हो गया, इसलिए मैं अब तुम्हारे कामों में सहयोग नहीं कर पाता। काष्ठ, पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, प्लास्टिक, मिट्टी, कागज आदि धातु की बनी प्रतिमा पूजा मोक्ष इच्छा वाले साधकों को नहीं करना चाहिए। ऐसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जिसको मुक्ति की इच्छा है, फिर जन्म लेने की इच्छा नहीं, फिर माँ के पेट में जाने की इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्ति को ये समाज में जो चल रही है प्रतिमा पूजा, उसमें कोई लोहे का है, कोई चांदी का है, कोई तांबे का है, कोई पत्थर का है, कोई कांच का है, कोई लकड़ी का है, कोई सोने का है, तो इन आकारों की पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको मुक्ति की इच्छा है, जन्म मरण के दुख से छूटने की इच्छा है, उनको इन धातुओं की कल्पित मूर्तियों की उपासना नहीं करना चाहिए, उन्हें तो अपने अहम ब्रह्मास्मि भाव का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वह भेद उपासना उन्हें फिर जन्म एवं भोग प्रदान करेगी। इसलिए मुमुक्षु को सब प्रकार के बाह्य पूजा का त्याग कर वह परमात्मा मैं हूँ इस प्रकार आत्म पूजा ही करनी चाहिए। मैं भक्त हूँ, भगवान मुझसे भिन्न है, यह भेद भ्रांति उसे मुक्त हो जाना ही एकमात्र दुख से छूट जाने का उपाय है। यहाँ भेद सत्य नहीं है, नेहा नानास्ति किंचिना एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, यह सिद्धांत पर श्रद्धा करना चाहिए। जैसे स्वर्ण से अनेक अलंकार बनने से भी द्वेत की सिद्धि नहीं होती, एक सूर्य अनेक जल पात्रों में दिखने से सूर्य अनेक नहीं होता। दो दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है कि भेद सत्य नहीं है, भेद भ्रांति है। जैसे स्वर्ण से बने हुए गणेश और स्वर्ण से बना हुआ चूहा और स्वर्ण से बना हुआ आसन और स्वर्ण से बने हुए और पात्र, उनमें कोई भेद नहीं है, वो गणेश बना हुआ है कि वो चूहा मूसा बना हुआ है कि और कोई प्रकार के आसन वगैरह ग्लास आदि बने, सब एक स्वर्ण ही है। या एक ही सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब पड़ने से वह एक ही सूर्य है, ऐसे ही एक सत्य परमात्मा ही सब आकारों में उपस्थित है, विद्यमान है, इसलिए इनमें भेद भाव रखना यह महान पाप है।
एक स्वर्ण से बने गणेश में और चूहे में भेद ऊंचा नीचा रखना ये वाहन भूल है। एक स्वर्ण सत्य है, ऐसे ही यहाँ एक ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा किंचित भी अन्य नहीं है।